हेलो एवरी वन वेलकम टू द क्लास वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप वी आर बैक विद वन मोर लेक्चर माई नेम इज़ अमिता गौर एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर द मुगल एम्पायर क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम डेली सल्तनत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो सल्तनत ने जिन्होंने रूल किया उन सबके बारे में पढ़ चुके हैं तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे एक नया फ्रेश टॉपिक द मुगल एम्पायर्स फाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें बहुत कुछ इंटरलिंक्ड है तो एक इजी चैप्टर होगा आपको लर्न एंड मेमोराइज करने के लिए फाइन सो शुरू करते हैं चैप्टर उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम जो मुगल डायनेस्टी है उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स को एक बार जरा लिख लेते हैं तो पहला कौन था बाबर फाइन इस हिसाब से मैं लिख रही हूं देन हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां देन औरंगजेब हम यूजुअली क्या कहते हैं कि मुगल एम्पायर शुरू कब हुआ 1526 में फाइन औरंगजेब के पीरियड तक इट वाज 1707 तो रफली जो आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर में वो कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री है? 1526 AD से 1707 जब औरंगज़ेब की डेथ होती है वहां तक तो ये पीरियड हम हिस्ट्री का कवर करेंगे ऐसा नहीं है कि मुगल एम्पायर जो है वो औरंगजेब पे खत्म हो गया था या औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर था दिस इज नॉट द फैक्ट फाइन औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे मुगल रूलर्स हुए हैं एंड मुगल रूल जो पीरियड है मुग़ल एम्पायर बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक की कर रहे हैं 1526 से रफली 1857 फाइन 1857 का रिवोल्ट याद है ना तो 1857 तक जो है मुगल रूलर्स हुए हैं तो हम पढ़ते हैं औरंगज़ेब तक बाबर जो कि फाउंडर है मुगल डायनेस्टी का टिल औरंगजेब क्योंकि ये जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव रूलर्स थे मुग़ल एम्पायर के हालांकि मुग़ल एम्पायर जो है 1857 तक रहा मुग़ल रूलर्स जो है आते गए बहादुर शाह जफर वन फाइन टू सो शाह आलम ये क्या थे मुग़ल रूलर्स थे लेटर मुग़ल रूलर्स थे बट दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज दीज रूलर्स तो हम क्या है मोस्ट इफेक्टिव रूलर्स पढ़ते हैं मुग़ल एम्पायर के बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब तो इन रूलर्स के टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स हुए कैसे कैसे ये आगे जो है हिस्ट्री का टाइम पीरियड बढ़ा इस पूरे लेक्चर में हम मुगल डायनेस्टी कवर करेंगे फाइन, तो एक बेसिक मैंने आपको दे दिया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश वॉट हैड दर टो सीन इम्पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम मुगल्स ने वो कर दिखाया था इतना बड़ा एम्पायर जो है क्रिएट किया था जो जनरली पॉसिबल नहीं था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें मैक्सिमम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है मुगल एम्पायर का रीजन था फाइन हाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूं मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन भी इंक्लूडेड है इंडियन सब में तो एक चीज़ आप देखिए कि इतने बड़े एम्पायर को इकट्ठा करना इतने बड़े रीजन पे रूल करना ये एक इजी टास्क नहीं था फाइन इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं था लेकिन इसको अकम्पलिश किया मुगल रूलर्स ने अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि इंडिया एक कंट्री है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं ऐसा तो था नहीं इंडिया का पूरा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी नहीं था कि जिससे हम कह दें कि हाँ ये इंडिया है अलग अलग राजा थे रजवाड़े फैमिलीज थे अलग अलग राजा के एम्पायर्स थे तो उन सभी को क्या है एक रीजन में मर्च करना दिस इज नॉट दे हैड अकम्पलिस्ड फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड डेली थ सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तो मुगल्स ने क्या किया कि काफ़ी ज्यादा एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर में अपने एम्पायर को काफी ज्यादा बढ़ाया दूर दूर तक फैलाया फाइन तो ये शुरू किया उन्होंने लेटर हाफ ऑफ दिक्सटीन सेंचुरी हमने बात की फिफ्टीन टी सिक्स में तो एमर्ज होती है धीरे धीरे बाबर मायू की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी अकबर के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ तो इस तरीके से क्या हुआ कि आगरा इन सबसे पहले दिल्ली इन्होंने कैप्चर किया था तो दिल्ली इनकी कैपिटल थी धीरे धीरे इन्होंने रीजन्स को एक्सपैंड किया अंटिल सेवेंटीन सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया कि ऑलमोस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो पूरा ही पार्ट बन गया था मुग़ल एम्पायर का तो इतनी वास्ट टेरिटरीज थी मुग़ल एम्पायर की और इसीलिए हमारे लिए भी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइन They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनकी गवर्नेंस जो थी उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे तो उनकी कुछ बहुत अच्छी पॉलिसीज थी जैसे अकबर के टाइम पे काफी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी तो बाकी जो बाद में रूलर्स आए उन्होंने भी क्या किया कुछ उसमें से पिक एंड चूज करके वो पॉलिसीज कंटिन्यू करी बट उन पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी लास्टिंग इम्पैक्ट था जैसे रेड फोर्ट आप देखो दिल्ली में आर्किटेक्चरल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शाहजहां के टाइम पे बना तो रेड फोर्ट हर साल जो है हमारे पी इस पे फ्लैग ओवस करते हैं फिफ्टीन ऑगस्ट को तो ये भी क्या है एक मुगल आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम्पल है ना इट इन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फाइन तो ये भी क्या है एक मार्वलस एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का सो ये एक बेसिक आउटलाइन थी हु वर द मुगल्स पहला क्वेश्चन ये है कि मुगल्स आखिर थे कौन कहां से आए कौन थे यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस तो वो हम डिस्कस करते हैं

कि मेरे जो आ, मतलब मेरे जो फैमिली में हम फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं ना कि मेरे दादा जो थे वो इतने महान थे वो एक ये थे वो थे मेरी दादी जो है वो उनसे भी महान थी ये तो ये क्या है दो डिफरेंट लीनियजेज़ हो गई ना एक दादा की साइड से एक दादी की साइड से तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है एक फ़ादर की साइड से एक मदर की साइड से जो दो महान रूलिंग डायनेस्टीज थी उन दोनों डायनेस्टीज के जो वंशज थे वो थे मुगल्स तो मुगल्स कौन थे इनके पूर्वज जो हैं फादर की साइड से भी एंड मदर की साइड से भी दोनों महान डायनेस्टीज के कुछ रूलर्स रहे हैं एंड उन्हीं के वंशज जो हैं मुगल्स हुए फ्रॉम देर मदर साइड फ्रॉम देर मदर साइड वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान चंगेज खान का नाम हमने पढ़ा है कहाँ पे दिल्ली सल्तनत में चंगेज खान बेसिकली मंगोल वाला जो एरिया है वहां से बिलोंग करते थे एंड मंगोल आर्मी ने जो है इंडिया पे अटैक भी किया था इफ यू रिमेंबर इसके बारे में हमने पढ़ा है फाइन तो चेंगे खान क्या है मंगोल रूलर थे एंड मंगोलियन आर्मी सो इनकी मम्मी की साइड से फ्रॉम देयर मदर साइड ये किसके डिसेंडेंट थे चेंंगेज खान के रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स चाइना एंड सेंट्रल एशिया तो मम्मी की साइड से ये किसके डिसेंडेंट थे चेंगिस खान के एंड जो कि रूलर थे मंगोल सेंट्रल एशिया चाइना ट्राइब्स के फा, फादर की साइड से ये किसके थे ऑफ तिमूर तिमूर के बारे में भी हमने पढ़ा है तिमूर वो रूलर थे जिन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था कब किया था अराउंड 1398 सो ही कैप्चर्ड दिल्ली अराउंड 1398 तो मम्मी की साइड से ये किसके डिसेंडेंट्स थे चंगेज खान के जो कि रूलर था मंगोल ट्राइब्स चाइना एंड सेंट्रल एशिया का फादर की साइड से ये किसके डिसेंडेंट्स थे तिमूर के फाइन तो हमने दोनों तरफ से देखा मम्मी एंड पापा की साइड से आगे देखते हैं फ्रॉम देयर फादर साइड्स दे वर द सक्सेसरस ऑफ तिमूर हु डाइड इन 1404 रूलर ऑफ ईरान इराक एंड मॉडर्न डे टर्की मंगोल्स कहां पर थे मंगोल्स जो हमने देखा मंगोल चाइना सेंट्रल एशिया ये वाला जो रीजन है यहां की जो ट्राइब्स के रूलर थे मंगोल आर्मी थी एंड तिमूर जो है ही वॉज द रूलर ऑफ ईरान इराक एंड जो मॉडर्न डे टर्की है फाइन तो बोथ फ्रॉम मदर्स एंड फादर्स साइड दे वर लाइक दे बिलोंग टू सम ग्रेट मुगल मिलिट्री कैंपेन्स बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर बाबर कौन थे फर्स्ट मुगल एम्पर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया कब हुआ था मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कब होता है फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में फाइन एंड हु इज द फाउंडर बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर फाइन सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर सो उसका टाइम पीरियड क्या है फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टीन देखिए आप चार ही साल का टाइम पीरियड है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई यहाँ पे बाबर सक्सीडेड टू दोन ऑफ फरगना इन फोर्टीन नाइनटी फोर वेन ही ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड बाबर का एक बहुत बड़ा सा नाम है शॉर्ट फॉर्म में हम बाबर कह देते हैं सो so, बाबर क्या हैंग करते हैं ना एक प्रिंस थे तो इन्हें फर्गना का थ्रोन कब मिला जब वो सिर्फ बारह साल के थे तो आप देखो फोरटीन नाइन्टी फोर में बारह साल के थे सो so, लगभग आफ्टर यू नो थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स रफली उन्होंने रूल किया था दिल्ली में आकर सो so, बाबर हमने देखा कि जब फरगना के रूलर थे ही ओल्ड तो इन्होंने 30-35 साल जो है फरगना पे रूल किया एंड उसके बाद ये मूव ऑन करते हैं दिल्ली में फाइन तो ये क्यों मूव करते हैं क्या रीजन था ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उजेग जो बाबर जो फरगना के रूलर थे 1494 में एंड उसके बाद ये 1526 में दिल्ली आते हैं तो इतने टाइम तक ये रूल कर रहे थे तो क्या हुआ कि मंगोल के एक और जो रूलर थे उज्बेक्स उज्बेक्स जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया कि बाबर को फोर्स किया कि आप छोड़ दो यहाँ से तो बाबर वॉज फोर्स टू लीव इज़ एंसेस्ट्रल थ्रोन क्योंकि इन्होंने उज्बेक्स से थे इन्होंने इन्वेड कर दिया था फाइन एक और यहाँ पे बात ये थी कि जो मुगल्स थे ये मुगल जो वर्ड है ये कहां से आया है मंगोल से आया है बेसिकली फाइन जो मुगल्स हैं जो वर्ड मुगल्स हैं वो कहां से आया है मंगोल से आया है लेकिन मुगल्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको मंगोल्स बोले ऐसा क्यों क्योंकि जो उनके पूर्वज जो हम चेंगे खान को पढ़ते हैं उनकी जो मंगोलियन आर्मी थी उन्होंने बहुत ज्यादा क्या मतलब नरसंहार बहुत खून खराबा बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे जो है मिस किया फाइन उनको ये अच्छा लगता था कि उनको बोले कि आप तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हो इसमें वो प्राउड फील करते थे कि आप तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हो क्योंकि उनके जो जो तिमूर डायनेस्टी जो हम तिमूर रूलर की बात करते हैं उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में तो ये बहुत ही उनके लिए एक प्राउड की बात थी तो मुगल्स को मंगोल्स अगर बोलना अच्छा नहीं लगता था बहरायज अगर उनके पापा की साइड से उनको कोई बोले कि आप तिमूर डायनेस्टी से हो तो उनको मज़ा आता था सुन के फाइन सो so, बाबर का हम पढ़ रहे हैं कि इनको फोर्स किया गया कि आप अपना थ्रोन छोड़ दो क्योंकि इन्वेजन हो गया था उज्बेक्स का तो अब उज्बेक्स आ गए थे फरगना में तो अब क्या हुआ कि बाबर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी बहुत साल घूमने के बाद बाबर ने काबुल को सीज किया कब किया 1504 में फाइन 1504 में बाबर ने काबुल को सीज किया उसके बाद काबुल से मूव होते होते धीरे बाबर कहाँ आया इंडिया में आया काबुल कहाँ है अफगानिस्तान तो यहां से मूव करते हुए बाबर आता आता है? दिल्ली में. कब आता है दिल्ली दिल्ली में। में? कब तो ये इम्पॉर्टेंट पीरियड था जब बाबर लड़ाई लड़ता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और उसके बाद एमरजेंस होता है मुगल एम्पायर का तो इनिशियली क्या हुआ बारह साल का था 1494 में फरगना का थ्रोन मिल गया प्रिंस था धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हुई उजबेक्स ने क्या किया इन्वेड कर दिया बाबर को अपना अपनी राज सिंहासन जो है छोड़ना पड़ा उसके बाद वो बहुत साल तक घूमता रहा काबुल सीज़ किया उसने कब 1504 में एंड दिल्ली में कब आया 1526, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर पहली बैटल जो हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसमें बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोधी को कैप्चर किया क्या दिल्ली एंड आगरा तो यहाँ से शुरू होती है मुग़ल एम्पायर मुगल, मुगल डायनेस्टी की स्टोरी फाइन पहला रूरल था बाबर एंड इब्राहिम लोधी को उसने डिफ़ीट किया पानीपत में पानीपत क्या कि जब मान लो अफगानिस्तान से आ रहा है बहुत सारे पहाड़ हैं फिर पाकिस्तान से आया इंडिया में आया माउंटेंस हैं रिवर्स हैं सब क्रॉस करते करते जब पानीपत पहुंचता है तब उसके साथ बैटल होती है इब्राहिम लोधी की एक बहुत ही क्या है प्लेन एरिया है लड़ाई अच्छे से लड़ी जा सकती थी प्लेन बैटल ग्राउंड में तो इसीलिए पानीपत को चूज़ किया गया लड़ाई के लिए सो इस तरह से क्या है फिफ्टीन में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विथ इब्राहिम लोधी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी मुगल आर्मी की जैसे हमने मंगोल आर्मी के बारे में पढ़ा कि बहुत पावरफुल आर्मी थी तो मुगल्स क्या हैं मंगोल्स ही थे तो उनके पास जो स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स थे मान लो बड़ी अच्छी अच्छी तोपे थी उनके पास घुड़सवार थे घोड़े पे चढ़ के लड़ाइयाँ कर लेते थे हाथी थे कैवलरी थी काफ़ी तोप उनके पास थी तो ये एक बहुत मेजर रीज़न रहा कि उन्होंने पानीपत की लड़ाई जीती क्योंकि उनके पास उनकी जो मिलिट्री थी उनकी आर्मी थी वो काफी अच्छी थी so ये एक reason था कि मुगल आर्मी वॉज वेरी फाइन आर्मी कैनन्स जैसे हमने बात करी कि तोप जो है एक एडिशन था उनकी आर्मी में जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो तो तोप यूज किया करते थे बहुत ही उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट वेपन था उस टाइम पे फाइन इंपॉर्टेंट एडिशन इन सेंचुरी वॉरफेयर बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और इसीलिए शायद बाबर जो है जीतता है ये लड़ाई पानीपत में सो so, इस तरह से एमरजेंस होता है मुगल एम्पायर का तो ये हमने देखा कि कैसे बाबर जो है फरगना का रूलर था धीरे धीरे पानीपत तक पहुंचा दिल्ली आगरा कैप्चर किया तो अब हम क्या है मुगल एम्पायर की जो अलग अलग रूलर्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे से. क्या है? मुगल मेजर देखा कि मेजर रूलर्स कौन कौन से थे बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए उन सभी के बारे में पढ़ेंगे फाइन शुरू करते हैं पहला बाबर से 1526 आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि 1526 में क्या हुआ बाबर आया इब्राहिम लोदी को हराया एंड अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत तो ये क्या है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी को हराया एंड कैप्चर किया दिल्ली एंड आगरा को 1527 में क्या होता है नेक्स्ट ही राणा सांगा ऑफ मेवाड़ राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानवा तो ये है बैटल ऑफ खानवा फाइन बैटल ऑफ काना तो पंद्रह में नेक्स्ट ईयर बाबर किसको डिफीट करता है राणा सांगा को राणा सांगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे मेवाड़ के राणा सांगा जो है वो काफ़ी पावरफुल थे एंड उन्होंने ऑलमोस्ट बाबर को हरा दिया था काफ़ी अच्छी उनकी भी आर्मी थी बाबर ऑलमोस्ट हार गया था लेकिन होता क्या है इस टाइम पे कि राणा सांगा के ही एक जो मान लीजिए उनकी कोई टीम में था तो उसने क्या किया धोखेबाजी कर दी देशद्रोह कर दिया एंड राणा सांगा से छोड़कर जा मिला बाबर के साथ तो ये क्या है धोखा दे दिया अब आपको पता है, धोखे की बात आ गई तो बाबर ने हरा दिया राणा सांगा को तो इंडियन हिस्ट्री में हम ये काफ़ी देखते हैं कि काफ़ी जगह जो है ऐसा होता है एंड यही एक रीज़न था कि फॉरेन इन्वेजन जो है इतना प्रोमिनंट हो पाया क्योंकि ये जो है फॉरेन कहीं और से आ रहे थे हमारी कंट्री से तो थे नहीं मुग़ल रूलर्स ये आए थे ईरान इराक सेंट्रल एशिया से तो ये क्या है फॉरेन इन्वेजन था इंडिया में हमारे कंट्री में हमारे कंट्री के कुछ बहुत प्रोमिनंट रूलर्स रहे बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थे बहुत शक्तिशाली भी थे लेकिन इनको धोखे से हराया गया फाइन तो राणा सांगा ऑलमोस्ट लाइक डिफीटेड बाबर लेकिन इनके अपने ही किसी बंदे के धोखे की वजह से देशद्रोह की वजह से क्या हुआ कि बाबर इनको हरा देता है और अगर उस टाइम ऐसा ना हुआ होता तो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं होता इंडिया में फाइन तो ये बीज जो पड़े ये पड़े थे फॉरेन इन्वेजन के फाइन और इसी की वजह से एस्टैब्लिश हुआ मुगल एम्पायर तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था तो 1527 में बाबर किसको डिफीट करता है राणा सांगा को राजपूत रूलर्स को एंड लाइज एट खानवा खानवा में जाकर ये हरा देता है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एंड ऑलमोस्ट डिफीटेड बाबर बट एक बंदे ने क्या किया धोखा दे दिया चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ हमने देखा क्रोनोलॉजी देखते रहिए आप फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन 1528 में क्या हुआ डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी इस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ बाबर का जो टाइम पीरियड है हमने बात करी ना इंडिया में वो कितना है 26 से 30 तो कंटिन्यूसली इसने बैटल्स ही लड़ी हैं लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं इंडिया में अपना रूल इस्टैब्लिश करने के लिए 28 में क्या हुआ राजपूत को हराया चंदेरी में और अपना कंट्रोल इस्टैब्लिश किया आगरा एंड दिल्ली के ऊपर तो इस तरह से जो है पहला रूलर है बाबर चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में 1532 थर्टी टू फोर्टी फिफ्टी टू फिफ्टी दो टाइम पीरियड्स क्यों दिए गए हैं पहला आपने देखा ये टाइम पीरियड है दूसरा ये टाइम पीरियड है वो इसलिए क्योंकि इस गैप में जो है एक दूसरी डायनेस्टी थी फाइन विच वॉज सूर डायनेस्टी इन जो पीरियड है इसके बीच में एक और डायनेस्टी ने रूल किया था विच वॉज सो डायनेस्टी हुआ क्या हुमायूं एक अच्छा रूलर था इसने डिवाइड किया इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर इसने जो उसके पापा ने जो रीजन्स कैप्चर किए थे हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में उसको सारे रीजन्स को बांट दिया फाइन कि जैसे उसके पापा की विल थी उसके हिसाब से उसने अपने भाइयों में रीजन्स को बांट दिया तो इसने तो अच्छा काम किया था रूल कब शुरू किया इसने जब बाबर की डेथ होती है तो रूलर कौन बना हुमायूं। उसके बाद क्या हुआ एम्बिशंस ऑफ हिस ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हमायूज कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स मिर्जा कामरान जो है हुमायूं के हाफ ब्रदर थे सौतेले भाई थे फाइन इनकी एम्बिशंस की वजह से हुमायूं को काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जो हमने बात की ना कि 1540 से 1555 तक जो आप लास्ट स्लाइड में टाइम पीरियड देखिए 1540 से 1555 तक तो यहाँ पे इस टाइम क्या हुआ कि हुमायूं को छोड़कर जाना पड़ता है फाइन क्यों जाना पड़ा क्योंकि उनकी लड़ाई होती है किससे शेर शाह सूरी से और यही एस्टेब्लिश करते हैं सूर डायनेस्टी को बीच में जो इतने साल है ये सू डायनेस्टी राज करती है 1555 में हुमायूं वापस आते हैं शेर शाह जो इसका नाम पड़ा क्योंकि इसने एक बार शेर को मार दिया था तो इसीलिए इसका नाम शेर शाह पड़ गया तो अफगान रूलर से ये तो इनकी बैटल होती है बैटल चौसा में 1539 एंड कन्नौज में एक साल बाद पंद्रह में फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू तो ईरान तो मिर्जा कामरान के जो एम्बीशन से वो चाहता था कि मेरे को ही सारी राजगद्दी मिल जाए मैं ही हर जगह राज करूं इससे क्या हुआ उसने बोला कि आप अफगान रूलर्स जो हो शेरशाह तो आप इसको मार दो हुमायूं को इसको खत्म कर दो ताकि मेरे को सब मिल जाए ठीक है तो लड़ाइयाँ हुई बैक टू बैक चौसा में फिफ्टीन में फिर कन्नौज में फिफ्टीन में तो हुआ क्या कि ईरान हमें पता है कि तिमो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ना ये लोग वहाँ के इनके पूर्वज रहे हैं तो हुमायूं को छोड़कर भागना पड़ा 1540 में 1539 में बैटल हुई उसमें भी हार गया 1540 में बैटल हुई उसमें भी हार गया एंड उसके बाद इसको हुमायूं को जो है छोड़कर जाना पड़ा वहाँ से और ईरान चला गया वापस आता है 1555 में फाइन हार नहीं मानी इसने 1555 में हुमायूं वापस आता है एंड उसको हेल्प मिली सफाविद शा, सफाविद शाह डायनेस्टी जो है उस टाइम ईरान में डायनेस्टी थी सफाविद डायनेस्टी तो सफाविद शाह जो रूलर हैं उन्होंने हेल्प करी हुमायूं की एंड री कैप्चर्ड इन फिफ्टीन फिफ्टी फाइव बट डाइड द नेक्स्ट ईयर तो इन्होंने क्या किया पंद्रह सौ चालीस में ये गए थे देखो 1539 में 1539 में बैटल ऑफ चौसा नेक्स्ट ईयर बैटल एट कन्नौज दोनों में शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड उसके बाद सूर डायनेस्टी रही इतने पीरियड तक 1555 तक इस बीच क्या हुआ कि हुमायूं चले जाते हैं ईरान में ईरान में इनकी किसने मदद करी सफाविद डायनेस्टी थी सफाविद शाह इनकी मदद करते हैं उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी दोबारा कैप्चर किया दिल्ली को ही रिकैप्चर्ड दिल्ली किसको हरा के शेर शाह जो शेरशाह सूरी के बेटे थे सिकंदर फाइन तो जो शेरशाह जो सूरी डायनेस्टी थी इसका जो बेटा था सिकंदर तो इसको हराया एंड ही रिकेप्चर दिल्ली तो दिल्ली को क्या किया रिकेप्चर कर लिया इसी बीच क्या होता है जो सफाबिद शाह जिनके पास ही रहे थे ईरान में तो उनकी कोई कोर्ट में एक लेडी होती हैं उन्हीं से इनको आपस में प्यार हो जाता है बाद में शादी हो जाती है एंड उमरकोट में जहाँ अकबर की जो माँ थी वही थी हाँ इस डायनेस्टी से जो बिलोंग करती थी तो वहाँ पे क्या है तो इसी बीच अकबर का जन्म होता है उमरकोट में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सो ये एक बीच की स्टोरी है तो रिकैप्चर करते हैं थ्रोन को 1555 में नेक्स्ट ईयर उनकी डेथ हो जाती है अपनी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे एंड समथिंग कि उसका उनका पैर फिसला एंड ही वो गिर गए वहाँ पे एंड उससे उनकी डेथ हो गई तो इस तरह से क्या है हुमायूं की डेथ हो जाती है नेक्स्ट ईयर ये आप देख रहे हो जैसे शेर लाइब्रेरी उनको काफ़ी ज़्यादा शौक था इन लाइब्रेर एंड रीडिंग बुक्स का तो उन्हीं की अपनी बिल्डिंग में लाइब्रेरी में उनकी डेथ हो जाती है फाइन सो नेक्स्ट कौन आया अब अकबर आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा भी है शोज़ भी आए हैं मूवीज़ भी बनी है। फाइन तो अकबर वॉज वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ़ मुगल एम्पायर और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी रिफॉर्म्स थे जो अकबर के टाइम पीरियड पे अकबर ने इंट्रोड्यूस किए तो हुमायूं जब डेथ होती है फिफ्टीन 55 तक हुमायूं का टाइम पीरियड था उसके बाद क्या हुआ अकबर वॉज थर्टीन ईयर्स ओल्ड वन ही सिर्फ तेरह साल का था जब वो राजा बनता है अकबर का एक क्लोज अलाय था बैराम खान इसको आपने मूवी में भी देखा होगा ना तो बैराम खान कौन था ये जो पर्सन था इसने हुमायूं की भी हेल्प करी थी जब हुमायूं ने थ्रोन को रिकैप्चर किया था 1555 में तो इसने हुमायूं की काफ़ी हेल्प करी थी और उस टाइम से जो हुमायूं की डेथ हो गई टिल अकबर तेरह साल का हो तो इसने अकबर को काफ़ी गाइड भी किया एंड ये चाहता था कि अकबर जो है राजा बने एंड उसको काफ़ी गाइडेंस थी कि आपको दिल्ली का राजा किस तरह से बनना है तो अकबर का जो टाइम पीरियड है उसको हम तीन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं फाइन पहला पीरियड 1556 से 1570 क्योंकि यहाँ हमायूँ ने रिकैप्चर किया 1556 में उसकी डेथ होती है बैराम खां जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे हमायूँ से भी रिलेटेड थे हमायूँ की मदद करी थी बाद में अकबर की मदद करते हैं तो फिफ्टीन से फिफ्टीन तक इस पीरियड में ये हम पहला पीरियड क्लासीफाई करें अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैराम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ इज डोमेस्टिक स्टाफ मुगल पीरियड में या बाकी आप देखें इंडियन हिस्ट्री में तो वो कहते हैं ना कि पावर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं भाई भाई के बीच में बाप बेटे के बीच में तो इसी तरह से काफ़ी लड़ाइयाँ यहाँ भी हुई हैं कि जो मान लीजिए स्टेप मदर्स थी जैसे महामंगा वो चाहती थी हालांकि अकबर को वो चाहती थी बट शी ऑल्सो वॉन्टेड कि मेरा बेटा राजा बने सो तो इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी रहे हैं तो फाइनली अकबर राजा बनते हैं वैन यू वॉज थर्टीन ईयर्स और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बैराम खां से इस पीरियड में तो इसलिए हमने इसको बोला कि पहला पीरियड है अकबर के रूल का मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ इज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड उजबेक्स फिर से वही जो मिर्जा हकीम है तो ये क्या है हाफ ब्रदर थे ये भी चाहता था कि मैं राजा बनू एंड इसी तरह से क्या है कि काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए आपस में आपसी लड़ाइयाँ बहुत हुई कि मेरे को सत्ता मिल जाए मैं राजा बन जाऊं सो फिफ्टीन सिक्सटी एट में क्या होता है कि सोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज इन फिफ्टीन सिक्सटी नाइन रनथम्बोर सीज हुआ तो इस तरह से फिफ्टीन सिक्सटी एट में जो सिसोदिया कैपिटल थी चित्तौड़ की उसको सीज कर लिया फिफ्टीन सिक्सटी नाइन में को सीज कर दिया तो इस तरह से काफी मिलिट्री कैंपेन्स भी चले हैं अफगान्स के अगेंस्ट मिर्जा हकीम के अगेंस्ट उजबेग के अगेंस्ट फाइन सेकेंड पीरियड कौन सा है 1570 से 1585 तक पहला पीरियड हमने कब से कब गिना था? 1556 से 1570 तक इस पीरियड में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है बैराम खान से नेक्स्ट पीरियड जो है 1570 से 1585 तक इसमें क्या हुआ अकबर क्या कर रहा था एक्सपेंशन कर रहा था राइट एक्सपेंशन ऑफ किंगडम अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था ना अपने राज्य को बड़ा करना चाहता था तो मिलिट्री कैंपेन्स हुए गुजरात में फॉलोड बाई कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार बंगाल एंड उड़ीसा तो आप देखो पहले दिल्ली आगरा वाला जो एरिया था वहाँ से कहाँ पहुँचे हैं धीरे धीरे वेस्ट में जा रहे हैं फाइ फिर कहाँ जा रहे हैं ईस्ट में जा रहे हैं बंगाल तक गए हैं फाइन बिहार फाइ उड़ीसा तो ये क्या है मिलिट्री कैंपेन्स चले ताकि हम ये सारा एरिया जो है कवर कर पाए दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय फिफ्टीन सेवनटी रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम तो मिर्जा हकीम जैसे हमने देखा कि वो भी चाहता था कि मैं राजा बनू हाफ ब्रदर था तो इसने भी काफ़ी रिवोल्ट किए एंड इस तरह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई लेकिन अकबर वो सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द लार्ज एरियाज अंडर हिज एम्पायर थर्ड जो टाइम पीरियड है अकबर का वो है फिफ्टीन एटी फाइव से सिक्सटीन और फाइव तक सो so, अकबर का टाइम पीरियड हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 1556 टू 70, फिफ्टीन टू फिफ्टीन एंड देन थर्ड वन 1585 टू सिक्सटीन ओ फाइव तो यहाँ क्या है डेथ हो जाती है अकबर की एंड इसी वजह से रेन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे तो ये तीन पार्ट्स हैं पहले में ही वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ बहराम खान दूसरे में उसने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए कैम्पेन्स किए गुजरात में बंगाल में बिहार में उड़ीसा में ताकि अपना एक्सपेंशन किंगडम बढ़ा सके थर्ड पीरियड में क्या है एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर कैम्पेन्स फर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट अब वेस्ट में गया ईस्ट में गया उड़ीसा तक गया नॉर्थ वेस्ट जो अफगान जो काबुल जो ये वाला रीजन था वहां पे एक्सपेंशन किया एम्पायर का तो वहां के लिए मिलिट्री कैंपेन्स चलाए फाइन तो ये क्या है रीजन अकबर का हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया कांधार वॉ सीज फ्रॉम द सफावि सफावि हमने देखा ईरान में डायनेस्टी थी अब हमने देखा ना कि अकबर की पॉलिसी कहाँ थी कहाँ कैंपेन्स हुए नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में फाइन कैंपेन्स हुए सफाविद डायनेस्टी कहाँ थी ईरान में जिन्होंने हुमायूं की हेल्प करी थी उसके बाद कश्मीर को एनेक्स किया एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम जो मिर्जा हकीम जो उसका हाफ ब्रदर था उसने बहुत सारे रिवोल्ट किए थे तो जब मिर्जा हकीम की डेथ हो गई उसके बाद उसने काबुल को भी एनेक्स कर लिया तो इस तरह से अकबर के काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन से बहुत सारे रीजन्स को उसने एनेक्स कर लिया नॉर्थ वेस्ट में कांधार को एनेक्स किया सफावित से कश्मीर को एनेक्स किया एंड काबुल को एनेक्स किया आफ्टर द डेथ ऑफ़ मिर्ज़ा हकीम तो इस तरह से अकबर की एक एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी काफ़ी सारी कैंपेन्स इन द डेकन स्टार्टेड एंड बेर खंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज एनेक्स्ट तो अब तक तो ये यहाँ थे अब ये क्या चाहते थे कि हम इस रीजन में आए फाइन डेकन वाला जो रीजन है हम वहाँ पर एनेक्स करें वेस्ट एनेक्स कर लिया ईस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा नॉर्थ वेस्ट एनेक्स कर लिया तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये रीजन था ही इनका तब इन्होंने बोला कि हमको ये रीजन भी चाहिए डेक्कन का रीजन भी चाहिए तो अब कहाँ पे इनका फोकस मूव हुआ कि अब हम डेक्कन को एनएक्स करेंगे तो फिर से पॉलिसीज एक्सपेंशन की पॉलिसीज थी कैंपेन्स चलाए गए डेक्कन में एंड बेरार खेश एंड अहमदनगर के कुछ पार्ट्स को क्या किया एनएक्स कर लिया इन द लास्ट इयर्स ऑफ इज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्पर जहांगीर जो लास्ट इयर्स जो बचे थे अकबर के उसमें क्या हुआ कि जो प्रिंस सलीम अब अकबर की भी काफी सारी वाइफ थी तो प्रिंस सलीम जो बाद में जहांगीर बने फाइन इन्होने रिबेल किया हालांकि राजा जहांगीर प्रिंस सलीम को ही बनना था बाद में लेकिन तब भी इनसे क्या है इंतज़ार नहीं हो रहा था इनको अभी राजा बनना था तो इन्होंने काफ़ी रिबेलियन स्टार्ट किया इन्होंने काफ़ी रिबेल किया अपने फादर के अगेंस्ट जैसे कि मैंने बताया कि अब बहुत सारी वाइफ हैं उनके बच्चे अब सारे चाहते हैं कि हम राजा बने तो इस तरह से काफ़ी सारी लड़ाइयां जो है उनके आपस में होती रहती थी सो so, इसी तरह क्या है प्रिंस सलीम जो रिबेलियन बने एंड इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिस रेन अब प्रिंस सलीम जो है इनकी भी एक स्टोरी है कि जैसे अकबर ने काफ़ी मन्नतें मांगी थी सलीम चिश्ती से कि मेरा एक बेटा हो जाए एंड सो ऑन सो उसके बाद जो है उसका बेटा होता है तो दैट इज़ बाई उनका नाम जो है सलीम रखा जाता है एंड लेटर सलीम ख़ुद को डिक्लेयर करता है कि आई एम जहांगीर जहांगीर मीन्स कॉन्करर ऑफ़ द वर्ल्ड इट इज़ दो वर्ड से बना हुआ है ना ये जहाँ प्लस गिर तो जहाँ मतलब कि पूरा जहाँ बोलते हैं ना कि पूरा जहाँ समाज जहाँ ये वो तो पूरे जहाँ को कॉन्कर करने वाला कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड सो इस तरह से क्या है लास्ट ईयर जो बचे थे अकबर के उसमें प्रिंस सलीम रिबेल करता है एंड धीरे धीरे क्या है अकबर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है सो so, अकबर का हम लेटर इस पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से अकबर की पॉलिसीज थी अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं रूलर्स का कि कब आए कब गए क्या हुआ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अकबर ने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे कि वो क्या थे एंड उसमें क्या क्या सिस्टम थे सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है अकबर का फाइन सो so, अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे अकबर तक स्टॉप कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जहांगीर से प्रिंस सलीम कैसे राजा बनता है मुगल एम्पायर का एंड उसके बाद लेटर इवोल्यूशंस कैसे होते हैं मुगल डायनेस्टी में फाइन सो so, अभी हमने क्या किया कि बेसिक पढ़ा कि मुगल डायनेस्टी कैसे इमर्ज हुई बाबर कैसे इंडिया आया कैसे बैटल्स लड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बाद में थर्ड भी पढ़ेंगे तो सारी हम क्या हैं धीरे धीरे बैटल्स पढ़ेंगे एंड हमने स्टार्टिंग बाबर से की फिर हुमायूं आया फिर अकबर एंड लेटर जो है हम ये आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे इसको सो फाइन थैंक यू फॉर द क्लास टुडे